पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, सच बोल रही हूँ, पर शर्म किस बात की? तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की जिंदगी में काफी कुछ हुआ, लेकिन उनकी मौत ने सभी को चौंका दिया था। वैसे तो बॉलीवुड की दुनिया देखने में तो बहुत ही ज्यादा चमक धमक वाली होती है। मैं और सैकड़ों जल्लाद मिलो न तुमको हम घबराए, लेकिन इस माया नगरी के पीछे की सच्चाई कम ही लोगों को पता है। एक मजबूरी है। दूर से ग्लैमरस दिखने वाली इस दुनिया में कई कहानियां दब कर रह जाती हैं। कई ऐसी एक्ट्रेस और एक्टर्स रहे हैं जो अपनी जिंदगी पर्दे पर तो दिलो जान से जीते दिखाई दिए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो अकेला दिखाते हैं सब दूर से रास्ता, कोई दो कदम साथ चलता नहीं, चलाती है दुनिया तो जलते हैं दिल, कोई अपनी मर्जी से चलता नहीं। पन धोखे और फरेब का शिकार हुए हैं परवीन बॉबी, जिया खान, मीना कुमारी, अचला सचदेव जैसे कई नाम इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। बॉलीवुड के चमकदार चेहरे के पीछे कई राज दफन है, और ऐसा ही एक राज है गुजरे जमाने की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश का। है तेरे साथ मेरी वफा। जी हाँ दोस्तों, राजवंश अपने जमाने में चंद फिल्मों के बाद ही काफी मशहूर हो गए थे। मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है। मजे की बात तो ये है कि उनकी सभी फिल्में चेतन आनंद द्वारा बनाई गई थी और वो बस उन्हीं के साथ काम करती थी। आज हम उनकी जिंदगी और बेरहमी से किए गए कत्ल के बारे में बात करेंगे। तो जब 6 जुलाई 1997 में चेतन आनंद की मौत हुई, उसके बाद प्रिया राजवंश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चेतन आनंद ने अपनी वसीयत में प्रिया राजवंश को आजीवन अपने बंगले रुइया में रहने का हक दिया था। चेतन आनंद और प्रिया राजवंश की कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए प्रिया राजवंश की मौत के बाद ये संपत्ति चेतन आनंद के दोनों बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद के नाम हो जाती। प्रिया राजवंश को उस बंगले और संपत्ति के लिए डराया धमकाया जाने लगा। उन्होंने विजय आनंद को ये सब बताया, लेकिन उनकी किसी ने कोई सहायता नहीं की। इस बीच केतन आनंद और विवेक आनंद ने घर के नौकरों की सहायता से प्रिया राजवंश की हत्या करने का प्लान बनाया था। 26 मार्च 2000 को उनके नौकरों अशोकन स्वामी और माला चौधरी ने प्रिया राजवंश की चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको बेहोश कर दिया था। उसके बाद उनके नौकरों ने प्रिया राजवंश का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन जब नौकरों को ये लगा कि वो अभी भी नहीं मरी है, तो उनके सर पर कपड़े धोने वाली मुंगरी से कई सारे प्रहार किए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद नौकरों ने पुलिस को सूचना दी कि प्रिया राजवंश की मौत हो गई है, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि मौत गला दबाने और सर पर कई वार करने से हुई थी। जांच जब आगे बढ़ी तो केतन आनंद और विवेक आनंद पकड़े गए। कोर्ट ने केतन आनंद,
विवेकानंद और दोनों नौकरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सन 2011 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको जमानत पर रिहा कर दिया था। इस तरह संपत्ति के लालच में अपनों के हाथों ही बेरहमी से मारी गई प्रिया राजवंश। आंखों पर तमाम सवाल, चेहरे पर मुस्कुराहट, बात करने का अंदाज भी अलग, अभिनय और कला के प्रति बेहद समर्पित। जी हाँ, वीरा सुंदर सिंह एक ऐसी अदाकारा जिन्हें हम सब प्रिया राजवंश के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसी की जिंदगी की शुरुआत तो बेहद खूबसूरत होती है मगर अंत बेहद दर्दनाक होता है। ऐसा ही हुआ प्रिया राजवंश के साथ। फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था प्रिया राजवंश को देवानंद के बड़े भाई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर चेतन आनंद ने 1964 में। फिल्म का नाम था हकीकत, जो 1962 में बनी थी। ये फिल्म इंडिया चाइना युद्ध पर आधारित थी। प्रिया राजवंश ने अपने करियर में केवल 7 फिल्मों में काम किया था। सारी ही फिल्में प्रोड्यूस की थीं चेतन आनंद ने, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद भी करने लगे थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर 1934 को झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। सिख परिवार में जन्मी प्रिया राजवंश शिमला की हसीन वादियों में पली बढ़ी और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में एडमिशन लेकर वहां कला की बारीकियों को सीखा और वहीं पर लंदन में खींची तस्वीर पर चेतन आनंद की नज़र पड़ी। जी हाँ, वो तस्वीर थी प्रिया राजवंश की। उन्हें भी एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनकी फिल्मों की हीरोइन बने। वहीं से शुरू हुआ जिंदगी में प्रेम का फलसफा और फिल्मों में आने का सिलसिला। प्रिया राजवंश को चेतन आनंद ने किसी और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने नहीं दिया था। यही रीज़न था कि इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद प्रिया राजवंश ने कुछ ही फिल्मों में काम किया। उनकी चर्चित फिल्मों में हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, साहेब बहादुर और कुदरत जैसी हिट फिल्में हैं। और ये फिल्में इतनी हिट हुई कि इसके गाने जब भी बजते हैं तो प्रिया राजवंश का चेहरा हम सब की आंखों में छलक जाता है। अब हर तरफ यही अफसाने हैं। 1986 में आई फिल्म हाथों की लकीरें, ये उनकी आखिरी फिल्म थी। चेतन आनंद ने उनके लिए एक बंगला भी बनवाया था और साथ ही अपनी वसीयत में उनको हकदार भी बनाया था। जैसे सब कुछ बदल गया था और ये उनकी वसीयत ही प्रिया राजवंश की मौत का कारण बनी। इस तरह ये हसीन प्रेम कहानी और अदाकारा का दर्दनाक अंत हुआ था। दोस्तों, आज भी उनको याद करते हुए आंखें नम हो जाती हैं।